नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और अब करते हैं खास खबरों की ओर। बावल शहर को जाम मुक्त करवाने के लिए एक्शन मोड में आए एसडीएम संजीव कुमार व नगरपालिका सचिव सुमित कुमार शर्मा, बावल थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह के साथ पूरी की कार्रवाई जुटी। बावल में आज सभी रेडी विक्रेताओं को, ऑटो को, यहां तक कि हरियाणा रोडवेज बस भी पुराने बस स्टैंड में शिफ्ट कर दी गई। आम जनता के लिए सुविधा के लिए आप सभी को पुराना बस स्टैंड जाना होगा। अंबेडकर पार्क के पास में यह पुराना बस स्टैंड है, वहां से अब सभी सुविधाएं मिलेंगी। रेडी व्यापारी ने भी कहा कि यहां हमारे दुकान नहीं चल पाएंगे, तो वहीं आश्वासन देते हुए एसडीएम ने कहा कि मैं आपको 2 महीने का टाइम देता हूं, आप कृपया रेडी लगाएं और यहां देखें क्या रिजल्ट आता है। एसडीएम ने आज पुराने बस स्टैंड में जहां रैलियां लगाई, वहीं पर खुद ने शॉपिंग भी की, सब्जी वालों से सब्जी ली और फल वालों से संस्था लिया। और यह कहा कि आज के बाद सभी ग्रामवासियों से अपील कि जो भी बंदा यहां आए अपना थैला लेकर आए, पॉलिथीन का प्रयोग ना करें, उनका भी चालान होगा और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुशील कुमार की रिपोर्ट। जो है निकलने में काफी दिक्कत आ रही थी, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी व्हीकल भी नहीं निकल पाते थे वहां से, तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पुराना बस स्टैंड पे हमने रेडी की व्यवस्था कराई है, जहाँ पर सभी प्रकार की तकरीबन सब्जियाँ, फल और कपड़े और खाने का सामान उपलब्ध रहेगा। इससे सर लोगों को क्या राहत मिलेगी, आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा इससे? आम लोगों को इसमें सबसे पहले तो रोड से जो अतिक्रमण कहें और जो भी कंजेशन था वो दूर हो जाएगा। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें दैनिक दिल्ली न्यूज के साथ। नमस्कार।